वेलकम दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए और एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर जॉब का ड्राइंग ले आया एंड उस ड्राइंग का जो जॉब है उन दोनों को ले आया। तो दोस्तों, ये ड्राइंग थोड़ा अलग है, अलग है मतलब फैब्रिकेशन का ये सिंपल ड्राइंग है। तो दोस्तों, इस ड्राइंग का मैंने 3 पार्ट बनाया, ठीक है। तो ये है पहला पार्ट। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप स्क्रीन में जो पिक्चर देख रहे हैं ये है जॉब का ड्राइंग। तो आप जो ड्राइंग को एक बार देखिए, ये है एक साइड का व्यू और ये है दूसरी साइड का व्यू और ये है टॉप व्यू। दोस्तों, आप ड्राइंग को देखिए, ठीक है दोस्तों। ये ड्राइंग उल्टा करके रखा मैंने, ठीक है, क्योंकि इसको हम जब फिटिंग करेंगे ऐसे उल्टा करके फिटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको मैं जॉब को देखिए दोस्तों, ये है जॉब का पिक्चर। ये नाइट में फ़ोटो खींचा इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, इसका जो टॉप प्लेट है, मैं सिर्फ आज का वीडियो में ये टॉप व्यू के बारे में बताती हूँ आपको। ये जो टॉप प्लेट है, ये जो टॉप है, ठीक है दोस्तों, मैं इसके बताती हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन में दिख रही है, आप जो स्क्रीन में दिख पाओगे दिख रहा है, ये है टॉप का व्यू, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना तक व्यू आपको आज दिखा रहा है दोस्तों देखिए, सिर्फ यहाँ से और दोस्तों यहाँ तक ये जो प्लेट है, ठीक है, इसका व्यू दिखाती हूँ। और इसका जो टॉप प्लेट है इसको मैं अलग से बनाया, ठीक है। तो इसका पिक्चर आपको दिखाती हूँ दोस्तों। अब देखिए, इसके देखिए इन दोनों चैनल है दोस्तों अब पहले आप देखिए, ये एक चैनल है और ये एक चैनल है और दोस्तों बीच में एक गैप है, ठीक है। और दोस्तों, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और इसके उल्टे साइड में इन दोनों प्लेट है दोस्तों। ये चैनल है, ये इसमें लिखा हुआ है आइटम मटेरियल्स में, ठीक है। तो आपको आप देखिए, पहले ये स्क्वायर प्लेट का नंबर है P4065 और देखिए P4065, इन दोनों एक स्क्वायर प्लेट में दोनों नंबर लिखा हुआ है, कि इसका मतलब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक में पूरे ऐसे राउंड होगा, राउंड है, और एक में देखिए दोस्तों ऐसे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। आप देखिए स्क्रीन में देखिए आप ये, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है एक यहाँ पे है और एक प्लेट है इसके ठीक नीचे, एक सेम डायमेंशन में, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोनों को एक जगह पे एक प्लेट में दिखा दिया और एक में डॉट का लाइन दे दिया और एक में प्लेन लाइन दे दिया, ठीक है दोस्तों। डॉट का लाइन का मतलब फैब्रिकेशन में क्या होता है? डॉट का लाइन मतलब है कुछ है हम लोग नहीं दिख पाओगे, दिख रहा है, ठीक है, इसलिए डॉट का लाइन यूज़ होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही इसमें लिख दिया दोस्तों, मतलब FS और NS, ये है NS अर्थात नियर साइड, FS अर्थात प्लस साइड, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझ गया मैं उम्मीद करते हो। और दोस्तों, आप इस बार देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आप पूरा देखिए, क्योंकि ये फैब्रिकेशन का एक ड्राइंग है तो ये ज़्यादा सिंपल सा ड्राइंग नहीं है। आप देखिए दोस्तों, ये एक चैनल है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू मतलब चैनल यहाँ पे व्यू दिखा रहा है, मतलब चैनल ये नीच में है, इसका नीच में लंबाई है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, ये एक चैनल का व्यू है, चैनल का पाता जो लिप अर्थात उसको कहते हैं फ्रंट साइड और बैक साइड, ठीक है, मतलब चैनल का व्यू तो ऐसे होता है। जैसे ये एक चैनल का व्यू है, ठीक है। तो देखिए, जो टॉप से दिखाया दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक बार जॉब को दिखा दोस्तों, आप स्क्रीन में जॉब को दिख पाओगे, दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये है जॉब का पिक्चर, देखिए दोस्तों, ऐसे देखिए, मैंने आपको जो स्क्वायर प्लेट के बारे में बताया थोड़ी देर पहले, ठीक, ये है वो स्क्वायर प्लेट 100x100 का, ठीक है, इन दोनों साइड में है, इस तरह है और इधर से जैसे दिख रहा है उधर से ठीक ऐसे दिख रहा है, उधर से एक ऐसे ही स्क्वायर प्लेट है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ठीक है, ऐसे एक स्क्वायर प्लेट है। तो दोस्तों, आप और ये देखिए, ये एक चैनल है, ये चैनल इधर से घुमा और ये एक चैनल है इधर से घुमा दोस्तों। आप व्यू में कैसे दिख रहा है? पहले एक लाइन है, मतलब ये
पहले एक लाइन है, देखिए दोस्तों पहले एक लाइन दिखाया, ठीक है, लंबा लंबा उस लाइन के लिए ये दोस्तों, ये एक लाइन है इसके लिए ये दोस्तों। दोस्तों इस चैनल का जो थिकनेस होता है इसके लिए तो और भी एक लाइन होगा, मतलब इस चैनल का जो थिकनेस है उसके लिए तो एक लाइन होगा, उसको डॉट का लाइन होगा तो दोस्तों, क्योंकि उसको तो वो तो है हम लोग नहीं दिख रहे, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसके अंदर एक डॉट का लाइन है। और दोस्तों सेम है, बीच में इतना गैप है, 26 mm का गैप है। और दोस्तों उस गैप के बाद जो ये है, ये एक लाइन है, और दोस्तों ई लाइन के लिए ये लाइन मैंने खींचा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये इधर से तो एक थिकनेस दिख रहा है आप, इसलिए ये डॉट डॉट का लाइन है दोस्तों, ऐसे आप दिख पाओगे, ठीक है। और स्क्वायर प्लेट के लिए ऐसे स्क्वायर कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसका जो साइड व्यू हम लोग उसको दिखाते हुए आपको दोस्तों, इसका जो साइड व्यू है आप साइड व्यू को देख लीजिए और जॉब को देख लीजिए, दोनों को साथ में आप मिलाइए दोस्तों। देखिए साइड व्यू में दोनों चैनल है, मैं पहले बोला इधर से एक चैनल इधर, मतलब देखिए अब ये एक चैनल है, मतलब देखिए अब ये एक चैनल है ऐसे है, और ये एक चैनल है ऐसे है दोस्तों। आज जो दोनों प्लेट दिखाया आपको दुधार से लगा हुआ है, सेम नंबर है P4065, ये है दोस्तों, ये है दोस्तों P4065, ये है दोस्तों P4065। देखिए दोस्तों दोनों स्क्वायर का प्लेट है, सेम प्लेट, मैंने क्या बोला दोनों ऊपर नीच करके लगा है, साइड भी हमें डिटेल्स देगा, ठीक है। और दोस्तों बीच में देखिए 26 mm का गैप होगा, क्योंकि इधर से 13 mm और इधर से 13 mm, देखिए बीच का ये गैप है दोस्तों। दोस्तों दोनों को एक साथ में मैं आपको ले आके दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों ये जॉब का ये आइसोमेट्रिक व्यू है दोस्तों, आप ऐसे देख पाओगे, फोटो जूम करके थोड़ा फट जाता है दोस्तों, ये कुछ नहीं। देखिए दोस्तों इस बार आप लोग जरूर समझ जाओगे दोस्तों। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में आपको सेक्शन बताया, तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों सेक्शन करके काटा, इधर से ये और इधर से ये, सेक्शन CC और ये सी और ये सी, ये सेक्शन CC, ये CC का व्यू कैसे है वो आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये है सेक्शन CC, तो देखिए ये चैनल घूम गया, इधर से घूम गया, इसके ऊपर एक प्लेट है मैं पहले बताया, और नीचे में और एक प्लेट है, तो आप ऐसे देख पाओगे दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। इसके बाद हाँ मैं छोटे छोटे जॉब कुछ दे दूँगी आपके लिए, और ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।